सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो गाइस, अगर आप भी टेलीग्राम पर से कोई भी फाइल कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हो और वो आपके फाइल मैनेजर में नहीं देख रही है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उसको आप फाइल मैनेजर में कैसे देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो एंड्रॉइड 11 की थी। अब यहाँ पे एंड्रॉइड 12 अपडेट हो गया है, लेकिन एंड्रॉइड 11 में भी यहाँ पे आप फाइल मैनेजर में आप फाइल नहीं देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में एक नई ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे कि आप अपनी सारी फाइल्स को देख पाओगे, वो भी अपने फाइल मैनेजर में। तो आपको करना क्या है वो बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल वीडियो कर लिए लाइक। सो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक नया फाइल मैनेजर डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वाला फाइल मैनेजर आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको करना क्या है, आपने जो टेलीग्राम है उससे कोई भी फाइल अगर आप जैसे डाउनलोड करना चाहते हैं, उस पर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव टू डाउनलोड्स पर क्लिक कर देना, जो कि आपको पता भी होगा। जैसे आप सेव टू डाउनलोड्स पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको आपका जो नया फाइल मैनेजर है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, कुछ सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। आपको इंटरनल स्टोरेज पर चले जाना है और यहाँ से आपको एंड्रॉइड पर चले जाना है। एंड्रॉइड पर जाने के बाद डेटा पर जाना है और यहाँ से ओके वगैरह आपको कर देना है। जैसे आप कर देते हैं, उसके बाद अब यहाँ से आपको टेलीग्राम सर्च कर लेना है। जैसे आप टेलीग्राम सर्च कर लेते हैं, उसके बाद टेलीग्राम का फोल्डर आपके सामने आ जाता है। टेलीग्राम फोल्डर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये फोल्डर देखने को मिल जाते हैं, फोल्डर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है, आपका जो सारा डेटा है जो कि आपने डाउनलोड किया टेलीग्राम से, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और आप आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। वीडियो वगैरह है तो उनको देख सकते हैं। सो गाइस, ऐसे आप अपने टेलीग्राम के जो डेटा है उसको फाइल मैनेजर में देख सकते हैं। तो गाइस, फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके बता सकते हैं।